चलें जनाब, ये हमारी सवैया ट्राइफल जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। मेरे चैनल फूड माशाल्लाह को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक ट्राइफल है और इसका नाम है सवैया ट्राइफल। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, ये 4 कप मैंने दूध लिया है, आधा कप ये दूध है जिसमें कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करूँगी, 3/4 कप चीनी है या हसब ज़ायक़ा, आधा कप ये कलरफुल सवैया हैं, 1 कप अंगूर हैं, 1 कप अनार हैं, 4 टेबल स्पून ये कस्टर्ड पाउडर है, आधा कप क्रीम है और थोड़ी सी ये हरी और जो लाल और हरी केक कैंडीज़ हैं। ठीक है, तो चलें फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये दूध को पैन में डाल रही हूँ और फ्लेम को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अच्छा जी, ये दूध में लगे, अब ये बॉयल आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सवैयाँ, क्योंकि अगर मैं पहले चीनी डालूँगी तो सवैयाँ गलेंगी नहीं, इसलिए पहले सवैयों को कुक करूँगी, जब वो गल जाएंगी तो फिर मैं उसमें चीनी शामिल कर दूँगी। चलें जी, बॉयल आना शुरू हो गया इसमें और अब मैं इसमें मैंने सवैयाँ शामिल कर दी। चलें, अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं पकने दूँगी और इस दौरान में मैं इसको चेक करती रहूँगी। अच्छा जी, 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि सवैयाँ गली हैं या नहीं। ये गल गई क्योंकि टूट गई हैं। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर कस्टर्ड पाउडर को घोल के इसमें डाल देंगे। अच्छा, सवैयों को ये है कि आप बॉईल भी कर सकते हैं और बॉईल करने के बाद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उस सूरत में ये होगा कि फिर चीनी आप दूध में पहले शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इस तरह करना है तो फिर चीनी बाद में शामिल होगी और सवैयाँ पहले डालेंगे। चलेंगे, इसमें चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और अब मैं कस्टर्ड पाउडर को घोल लेती हूँ। अच्छा जी, अब कस्टर्ड पाउडर को मैं इसमें डिज़ोल्व कर लेती हूँ। चलें जी, सारा उड़ गया। चलें, अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो गया और अब मैं इसको दूध में शामिल करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड पाउडर को शामिल कर रही हूँ। चलें जनाब, कस्टर्ड पाउडर शामिल हो चुका अच्छी तरह और ये कुक भी हो गया है। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और उसके बाद इसमें मैं क्रीम शामिल कर दूँगी। ठीक है, चलो। अच्छा जी, ये रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया था इसको, ये ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। बस हल्के हाथ से इसको मिक्स। अच्छा, मैं इसको इंडिविजुअल जो है वो सर्व कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको सर्विंग डिश में भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गई है अब क्रीम इसमें मिक्स और अब मैं इसको ग्लासेस में सर्व करने जा रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ।
थोड़े से बीच में आएंगे अंगूर, अनार, फिर इसी चीज़ को प्रोसेस को दोबारा और ये कैंडीज आप चाहें तो जो लेयर लग रही है उसमें भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं। अच्छा, एक तो मैंने ये कर लिया, ठीक है, और दूसरा जो है घर में छोटे बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि वो खुद से अलग से इसमें खाएं, ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए है, उनका भी सेम ऐसे ही है, उनको कैंडीज़ ज़्यादा पसंद है तो उसमें कैंडीज़ हम ज़्यादा डाल देंगे। इसमें मैं कैंडीज़ भी डाल रही हूँ बीच में, चलिए अब ये जो है ये रेडी हो चुका है और बाकी के दो ग्लासेस जो रह गए हैं उनको भी मैं इसी तरह सर्व करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। चलिए ठीक है, ये दोनों ग्लासेस मैंने रेडी कर दिए हैं और अब बाकी के दोनों ग्लासेस भी रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जनाब, ये हमारी सवैया ट्राइफल जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, घर में ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।